आज हम बनाने जा रहे हैं मफिन्स, लेकिन इन मफिन्स में मैंने कस्टर्ड एप्पल को यूज किया है जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी काफी है और एगलेस होने के बावजूद भी ये काफी सॉफ्ट और मॉइस्ट बने हुए हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। कस्टर्ड एप्पल मफिन्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 ml मिल्क लिया है, इसी के साथ में 1 टेबल स्पून लेमन जूस। मैं लेमन जूस को मिल्क के अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पर 1/3 कप ड्राई कोकोनट पाउडर लिया है। आपको अगर अवेलेबल नहीं होता है तो आप ड्राई कोकोनट को ग्रेट करें और मिक्सी की हेल्प से उसका पाउडर बना लें। इसी के साथ में 1/3 कप कस्टर्ड एप्पल पल्प लिया है। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, अदरवाइज आप घर पर भी सीड्स निकाल कर तैयार कर सकते हैं। साथ में कुछ चॉकलेट चिप्स लिए हैं, 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर, 1/2 कप व्हीट फ्लोर, आप चाहें तो ऑल पर्पज फ्लोर भी ले सकते हैं, 1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, ऑलिव ऑयल और जो मिल्क हमने लेमन जूस ऐड करके तैयार किया था उसको भी साथ में लिया है। अभी मैं एक बड़े बाउल में जो कस्टर्ड एप्पल का पल्प लिया था उसको ले रही हूँ। आप चाहें तो कस्टर्ड एप्पल की प्यूरी भी ले सकते हैं, लेकिन पल्प में पीसेस काफ़ी टेस्टी लगते हैं इसलिए मैंने पल्प लिया है। इसी के साथ में 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ, साथ में 1/4 टी स्पून वनीला एसेंस भी ऐड कर देंगे और इसी के साथ में 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल की जगह कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जो भी आप वेजिटेबल ऑयल लेते हैं उसका अपना फ्लेवर स्ट्रांग नहीं रहना चाहिए। अभी आप इसे अच्छे से मिक्स करें और इसी के अंदर जो हमने मिल्क और लेमन जूस को मिक्स किया था वो भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे और अभी हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि शुगर हमारी डिजॉल्व ना हो जाए, क्योंकि हमने पाउडर शुगर यूज़ किया था इस वजह से उसको डिजॉल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से आप 1 मिनट में ये डिजॉल्व हो जाएगी। अभी इसी के साथ मैंने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए थे, 1/2 कप व्हीट फ्लोर लिया था उसको एक छलनी में ले रही हूँ और इसी के साथ में जो कोकोनट पाउडर लिया था 1/3 कप उसको भी इसी के अंदर मिक्स कर देंगे और इसको छलनी से छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छलनी से छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसका कोई भी बड़ा पार्टिकल उसके अंदर मिक्स ना हो पाए। आप देखिए ये बहुत अच्छे से छन चुका है और अभी आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें। आप देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, लेकिन ये बैटर काफ़ी थिक है, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है। हमें इसे लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून मिल्क लिया है, लेकिन हम मिल्क धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। इसी के साथ में हमने 1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया था उसको भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर को आप ड्राई इन्ग्रीडियंट के साथ ही छलनी से छान सकते हैं। अभी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल प्रॉपर हो चुकी है, इसी के अंदर हम ये चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इनको एक सिलिकॉन मोल्ड में डाल दूंगी, क्योंकि हम सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर रहे हैं इस वजह से इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई और मोल्ड यूज़ करते हैं तो आप उसको हल्का सा घी से या ऑयल से ग्रीस कर लें। अभी आप इनको हल्का सा टैप कर लें ताकि ये इक्वल सेट हो जाए, और नहीं तो आप स्पून या स्पैचुला किसी की भी हेल्प से इसको इक्वल कर सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि बेक होने के बाद हमारे मफिन्स काफ़ी सुंदर लगें। अभी मैं इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख रही हूँ, फिर भी आप अपने ओवन के अकॉर्डिंग टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें।
आप देखिए हमारे मफिन्स काफी अच्छे से फूलकर तैयार हो गए हैं और इनका कलर भी काफी सुंदर आया है और चॉकलेट चिप्स भी इनके ऊपर काफी अच्छी लग रही है। और अभी हम इनको 5 से 7 मिनट के लिए ठंडे होने का वेट करते हैं। मफिन्स में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमारे कस्टर्ड एप्पल मफिन्स सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या तो कोकोनट पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं और या फिर चॉकलेट सिरप इसके ऊपर स्प्रेड करके सर्व कर सकते हैं।